हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:30 हो गए हैं। गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैं ये मास्क पहना हूँ ना, ये दिल्ली में सिर्फ 1 रुपए का है, और हमारे वहाँ पे किसी को भी ये लेंगे या तो 10 रुपए का देंगे या 5 रुपए का देंगे, लेकिन दिल्ली में सिर्फ 1 रुपए का मास्क है। और दिल्ली से ही जहाँ पर ये बनते हैं वहीं से ये लेके जाते हैं केमिस्ट वाले, और फिर बेचते हैं 10 रुपये में। हिमाचल में जाएगा और भी सभी एरियाज में जाएगा। और अभी जा रहा हूँ गाइस मैं ब्रेड लेने, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे भी हॉस्पिटल है, लेकिन जब कोरोना था दिल्ली में तो ये कोरोना वार्ड बना दिए थे, इसमें सिर्फ कोरोना के मरीज आते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई कोरोना का केस तो चल रहे हैं, वैसे थोड़े बहुत चल रहे हैं, लेकिन अभी इसमें लोकल लोग भी आते हैं जैसे छोटी मोटी बीमारियों वाले। तो ये हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। ब्रेड और अंकल जी दे रहे हैं पैसे। सो गाइस, ले आया हूँ मैं ये ब्रेड, 2 ब्रेड तो अपने घर लेके जानी है, और एक पैकेट आंटी को देना है जो सामने वाले आंटी हैं। तो चलो देते हैं, और ये पैसे तो किसी और को देने हैं। नीचे पैसे आपको दुकान पता चल गई। हाँ, ये ब्रेड, एक मिनट, हाफ ब्रेड मंगाई। हाँ, हाफ ही मंगवाई, ये लीजिए। तो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन में, और जा रहे हैं पठानकोट को। तो ये है एंट्री गेट। सो गाइज, ये लोग जा रहे हैं माता के दर्शन करने, मुझे तो यही लग रहा है। लिफ्ट का भी सरकार ने किया हुआ है प्रबंध, तो अगर कोई पेशेंट होता है तो गाइस उसके लिए लिफ्ट होती है, क्योंकि उससे जो चलने वाला पेशेंट है उससे चला नहीं जाता, वो इस लिफ्ट को यूज़ कर सकता है। और हम जा रहे हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो एसी की करवाई थी भाई ने, लेकिन गुरुजी को एसी में जाना नहीं क्योंकि घुटन होती है, तो हम किसी से बात करके स्लीपर में जाएँगे और उन्हें एसी में कन्वर्ट कर देंगे। सो गाइज, ये जो ट्रेन है इसके सभी जो डब्बे हैं वो एसी वाले ही हैं, स्लीपर्स के खुले वाले डब्बे कोई नहीं है, तो हमें एसी में जाना पड़ेगा। और गुरु जी को मेन ये था कि खुली हवा में थोड़ा खिड़की के साइड में सीट मिल जाती तो अच्छा था, सफोकेशन होती है ना उन्हें, लेकिन अब मजबूरी है, जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखेंगे। वैसे इतनी सफोकेशन तो नहीं हो रही है, मुझे महसूस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी गाइज मरीज को दिक्कत होती है, तो फिर भी उन्हें थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। बाकी मैं उनके साथ हूँ,
और गुरु जी को कह देंगे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं